तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक फॉर आवर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हो। होता है क्या है फ्रेंड, एक बार आप अपने जीमेल आईडी पे लॉगिन कर देते हो या प्ले स्टोर आईडी पे तो लॉगिन कर देते हो और ये तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन बहुत दिनों के बाद क्या होता है, आप उस जीमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल जाते हो। अगर आप फ़ोन चेंज कर रहे हो तो दूसरे फ़ोन में आपको दूसरा जीमेल आईडी बनाना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसा ही करते हैं, फ़ोन चेंज करते हैं तो अपना जीमेल आईडी भी चेंज करते हैं। लेकिन आज जो बताने वाला हूँ, आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं, यही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी पासवर्ड भूल गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ऐसे निकाल सकते हैं पासवर्ड। तो चलिए सिंपली चलते हैं अपने जीमेल आईडी में। और एक बात बता दूं फ्रेंड, जिस जीमेल आईडी का आपको पासवर्ड चाहिए वो जीमेल आईडी आपको याद होनी चाहिए, पहले ही बता दियो। अगर नहीं याद है तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो आपको देख लीजिए, मैं यहाँ पे मेरा देख लीजिए बहुत सारी जीमेल आईडी है। मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगा और एक जीमेल आईडी है उसको लॉगिन करूँगा। यहाँ पे उसका पासवर्ड मुझे नहीं पता, अभी आपके सामने करके बताऊँगा। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये मेरा जीमेल आईडी है, इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, पासवर्ड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख गया। अब क्या करना है फ्रेंड, आप तो आपको तो पासवर्ड पता नहीं है, ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे देख लीजिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देख लीजिए फ्रेंड, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी बहुत पासवर्ड याद है कि इस टाइप का पासवर्ड मैंने डाला था, तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ कुछ भी, और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, ये सारा है, येस पे क्लिक कर देना है आपको। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपको येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका पासवर्ड थोड़ा भी मैच कर रहा होगा तो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं मैच कर रहा है, आपको थोड़ा भी नहीं याद है, तो ये देख लीजिए ट्राई टू अनदर वे, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अगर देख लीजिए फ्रेंड, आपके सामने ये फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ गया, ये देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, ये देख लीजिए। आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए, अभी ओटीपी आएगा और ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अभी आपके सामने ये देख लीजिए, ओटीपी आ चुका है मेरे फ़ोन पे और ये लॉगिन हो चुका है, ये देख लीजिए। अब यहाँ से अपना कोई सा भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मैं अपना क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ डाल दिया है न्यू वाला, और यहाँ से सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। सेव पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपको येस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और देख लीजिए आपका काम हो गया। यहाँ पे लॉगिन हो चुका है मेरा वो जो जीमेल आईडी जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका था, आपके सामने अभी लॉगिन हो चुका है, ये देख लीजिए। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट आ चुका है उसका। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, यही जीमेल आईडी मैंने यहाँ पे ये देख लीजिए अभी लॉगिन किया था, ये आ गया अकाउंट में। तो आपको यहाँ पे हो चुका है आपका रिकवर जीमेल आईडी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड, ये देख लीजिए, ये नीचे आ गया मेरा जीमेल आईडी। तो अगर आप भी पासवर्ड भूल गए तो जीमेल आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप वही जीमेल आईडी फिर दोबारा दूसरे फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।